एक एक चीज नारद भक्ति में जो एक बोले थे कि आ, अनन्य भक्ति का मीनिंग में एक चीज बोले थे कि भगवान और भगवान 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 और और की भक्त में अगर मन रहे तो भगवान और भगवान के तो बहुत सारे संसार है तो भगवान और भगवान के भक्त में मन रहे तो अनन्य भक्ति और एक चीज में उसमें भी बोले थे सिर्फ राधा कृष्ण में ही मन रहे तो वो भी अनन्य भक्ति और उसमें फिर भी बोलते हैं कि राधा कृष्ण और उनके भक्त में जब तक मन रहे वो राधा कृष्ण की ही भक्ति मानी जाती है तो मेरा मन तो उसी ऐसे तो उसी हिसाब से हम जाते हैं तो भगवान हो गए राधा कृष्ण अब हनुमान जी हो गए उनके भक्त शिव जी हो गए उनके भक्त तो वैसा ही वैसा ही मन में बनता रहता है कि ओके चलो आज शिव जी तो बहुत कृष्ण से के दर्शन के लिए बातें करते हैं पार्वती जी उनसे क्वेश्चन पूछ रही है और शिव जी बहुत खुशी हो रहे हैं तो ऐसे से भावना आना भी आ, ओ, राधा कृष्ण की भक्ति हुई कि कैसे हाँ, नहीं उन आप श्री कृष्ण के संदर्भ में उनको याद कर रहे हैं ना आप श्री कृष्ण के विषय में बता रहे हैं श्री राधा रानी के विषय में पार्वती जी को बता रहे हैं तो ये तो श्री कृष्ण का ही ध्यान है ये अनन्यता भंग नहीं होती इससे